नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। गुना की घटना पर तमतमाए सीएम शिवराज का बड़ा अल्टीमेटम किए कई बड़े ऐलान। गुना की घटना पर सीएम शिवराज ने पुलिस कर्मियों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। सीएम ने कहा कि उन्हें शहीद का दर्जा देंगे और 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उनके परिवार को दी जाए। अगली खबर भी एमपी से है। अब एक डॉक्टर के नाम पर खुल सकेगा एक ही अस्पताल, मनमानी पर लगेगी लगाम। भोपाल में एक डॉक्टर के नाम पर एक ही अस्पताल खोला जाएगा। यही नहीं, किसी एक डॉक्टर का नाम दो अलग अलग नर्सिंग होम के बोर्ड पर भी नहीं लिखा जा सकेगा। सरकार का तोहफा, दिल्ली डेंटल सर्जन कैडर के गठन को दी मंजूरी। केजरीवाल सरकार के इस कदम से पिछले 2 दशकों से दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में स्थायी तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे डेंटल सर्जन अब नियमित हो पाएंगे और साथ ही कैडर के गठन के बाद नियमित भर्ती में भी मदद मिलेगी। मुंडका की घटना पर एलजी अनिल बैजल ने जताया दुख। बिल्डिंग का मालिक अब तक फरार। दिल्ली के मुंडका में मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में आग लग गई। घटना में 27 लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल बताए जा रहे। बेबी रानी मौर्य की ठाट देखिए, कर्मियों से उतरवाए जूते के डिस्पोजल कवर। आरएलडी ने वीडियो शेयर कर मंत्री पर लगाया आरोप। आरएलडी ने अपने ट्वीट में लिखा कि बेबी रानी मौर्य की ठाट देखिए, सत्ता के नशे में चूर उन्होंने अपने जूते के डिस्पोजल कवर कर्मियों से उतरवाए। चिंतन शिविर के बीच कांग्रेस को झटका, सुनील झाखड़ ने छोड़ी पार्टी, बोले गुड लक एंड गुड बाय। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील झाखड़ ने पार्टी से अलग होने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी खटिया पर नजर आ रही है। भोपाल के 11 स्कूलों को मिले धमकी भरे ईमेल, लिखा आपके स्कूल में है बम। भोपाल में 3 देशों के 4 अलग अलग आईपी एड्रेस से 11 स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। पुलिस जांच में यह ईमेल अफवाह बताए गए। अगली खबर पंजाब से है। अब जेलों से नहीं चलेगा काला कारोबार, खत्म होगा वीआईपी कल्चर। सीएम भगवंत मान ने उठाया बड़ा कदम। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की जेलों में वीआईपी सेल को खत्म कर दिया है। अग्निकांड के 19 घंटे बाद मुंडका पहुंचे सीएम केजरीवाल, 10 लाख मुआवजे का ऐलान, होगी मजिस्ट्रेट जांच। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घटना स्थल पर पहुंचे और मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। लश्कर का आतंकवादी गिरफ्तार, सुरक्षा बलों और वीआईपी पर हमले की बना रहा था योजना। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर ए तैयबा के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। यह आतंकी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और वीआईपी को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। यूपी के बाद एमपी के मदरसों में भी बजेगा राष्ट्रगान, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा जांच। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रफत वारसी ने बताया कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मदरसों में यह जांच करेगा कि वहां राष्ट्रगान का गायन हो रहा है या नहीं। अगली खबर दिल्ली से है। कन्नौट प्लेस में नवनीत राणा ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, कहा हम किसी के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलते। महाराष्ट्र के अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने दिल्ली के कन्नौट प्लेस के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। गेहूं की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार का बड़ा फैसला, निर्यात पर लगाया सशर्त प्रतिबंध। मोदी सरकार ने गेहूं के निर्यात पर सशर्त प्रतिबंध लगा दिया है। घरेलू बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमत के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया। अगली खबर एमपी से है। शिकारियों को पकड़ने गए 3 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या, 1-1 करोड़ के मुआवजे की घोषणा। पुलिसकर्मी शिकारियों को घेरने के लिए थाना आरोन थाना क्षेत्र के सगा बरखेड़ा गांव पहुंचे, जहां शिकारियों ने पुलिसकर्मी पर गोली चला दी। फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी मारे गए। पंजाब पुलिस ने 2 और संदिग्धों को किया गिरफ्तार, धमाके में शामिल होने की आशंका। पंजाब पुलिस ने 2 और संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। ये दोनों ब्लास्ट की घटना में संलिप्त बताए जा रहे हैं, हालांकि इस बात की पुष्टि पुलिस ने नहीं की। अगली खबर सिवनी से है। आदिवासी युवकों की मौत की जांच करेगा एसआईटी। सीएम ने एमपी को हटाने के लिए निर्देश दिए हैं और सिवनी जिले के एक गांव में हाल ही में कथित गौहत्या के संदेह में भीड़ द्वारा 2 आदिवासियों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले की जांच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एसआईटी को सौंप दी गई है। तपती गर्मी के बीच दिल्ली वालों के लिए बुरी खबर, अभी और सताएगी लू। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में पारा 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मुंडका में झुलस रही जिंदगियां, दर्दनाक हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान। वहीं इस भीषण हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा है कि दिल्ली में मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में आग की घटना में मारे गए लोगों की घटना पर शोक व्यक्त किया। न्यूज 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 21।